वेलकम बैक टू आपके भाई के यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर टेक में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी, थोड़ा कुछ काम में व्यस्त हो गया था। तो आज हमारे पास है वीवो का काफ़ी खूबसूरत फ़ोन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीवो का S1। ये आगे से ये डमी है, डेमो बस जस्ट जैसे ही लॉन्च होगा आपके पास डेमो भी आपको दिखाएंगे। तो ये ब्लू कलर में है, काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है, डायमंड का डिज़ाइन के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। इसमें आपका 4 GB रैम है और 6 GB 2 रैम वेरिएंट में आएगा और 128 GB के स्टोरेज के साथ आएगा। और इसमें आपका ट्रिपल कैमरा है और सबसे बढ़िया वीवो में एक अच्छी बात लगी कि अब वो लोगों में अपनी पकड़ बना रहे हैं। पकड़ बनाने का मतलब ये है कि पहले हम लोग रेडमी के फ़ोन्स पे ज़्यादा जाते थे क्योंकि रेडमी के फ़ोन्स काफ़ी चीप क्वालिटी, मतलब चीप सस्ते दामों में अच्छा फ़ोन, स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन लॉन्च करते थे। तो वीवो भी अभी अपना फ़ोन लॉन्च किया है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया मॉडल ला रहा है, 12,000 के अंदर आपका ट्रिपल कैमरा का फ़ोन दे रहा है। तो अभी इसकी बात करेंगे, इसमें रियर ट्रिपल कैमरा है विथ आपका डुअल LED फ्लैश के साथ है, फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा के साथ है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों कि जो सैमसंग गुमान करता था अपना कि हम लोग AMOLED डिस्प्ले यूज़ करते हैं, वीवो ने 15,990 के अंदर ही ये अपना काम कर दिया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, वो भी सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, फ़ोन दो कलर में अवेलेबल होगा, स्काईलाइन ब्लू और डायमंड ब्लैक में। और इसमें ए स्मार्ट बटन है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपका LPDDR4X का रैम है जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। और इसका वज़न है 179 ग्राम्स एंड PPI है 404 जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, स्कॉट जेनसेशन 3D ग्लास का प्रोटेक्शन है जो कि अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात है कि 4500 mAh की पावरफुल बैटरी है, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ, तो काफ़ी ज़बरदस्त है ये इस सेगमेंट में। और काफ़ी स्लिम है, 8.13 mm का है। और फ्रंट में आपका AI पोर्ट्रेट फ्रेमिंग का इसका कैमरा है जो कि 32 MP है, काफ़ी बढ़िया है। 6.38 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले है और ये डुअल इंजन चार्जिंग के साथ आ रहा है। तो आप 7 तारीख को इसकी लॉन्चिंग है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।